ऐसा कानून बनेगा कि लिफ्ट में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकार अब सख्त कार्रवाई के मूड में है और नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने भारत समाचार से खास बातचीत में इसके संकेत भी दिए हैं। हमारी रिपोर्ट देखिए। भारत समाचार ने लिफ्ट में मौतों के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी थी अब वो अपने अंजाम तक पहुंचने लगी है। लिफ्ट में मौतों को रोकने को लेकर जो अभियान भारत समाचार ने छेड़ा था उसका बड़े स्तर पर असर दिखने लगा है। नोएडा में बुजुर्ग महिला की मौत के बाद भारत समाचार ने जिस तरह से लिफ्ट में मौतों के खिलाफ मुहिम चलाई उसकी गूंज विधानसभा तक सुनाई पड़ी और अब खुद नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने भी कहा कि मामला बेहद गंभीर है और जल्दी सरकार लिफ्ट में मौतों के खिलाफ कानून बनाएगी और लापरवाही बरतने वाले अब बख्शे नहीं जाएंगे। कि नोएडा में कुछ दिन पहले एक दुर्घटना हुई थी, आपके चैनल ने भी उसका संज्ञान लिया था और तमाम तरह से उसकी बातें आई थी उसके मद्देनज़र, और वैसे भी ये करने जैसा एक काम था तो हम लोगों ने देखा कि क्या इसके कुछ प्रोटोकॉल्स निर्धारित किए जा सकते हैं, कुछ अधिनियम बनाए जा सकते हैं। शहरों में ऊँची ऊँची बिल्डिंगे तो बना दी जाती हैं लेकिन लिफ्ट लगाने में मानकों की अनदेखी की जाती है। बिल्डर फ्लैट बेचकर निकल जाते हैं और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी संभालने वाली कंपनियां लिफ्ट लगाकर चलते बनती हैं। लेकिन बिल्डिंगों में लिफ्ट के अंदर फंसकर मौत का किसी का ध्यान नहीं रहता है। कभी तार टूटने से तो कभी लिफ्ट में फंसकर दम घुटने से कई लोग जान गंवा चुके हैं। 3 अगस्त को नोएडा के टियरा सोसाइटी में लिफ्ट का तार टूटकर एक बुजुर्ग महिला सुशीला देवी की मौत हो गई, जिसके बाद भारत समाचार ने मुहिम चलाई। कुछ दिनों पहले ही जेवर से विधायक धीरेन्द्र सिंह ने सीएम योगी से मुलाकात की थी और विधानसभा में भी मुद्दा उठाया था और अब खुद नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने भी मामले का संज्ञान लिया है। ये बात हमारे दो माननीय सदस्यों ने विधानसभा में भी इस बात को उठाया था, आपके चैनल ने, भारत समाचार ने भी उठाया था, तो उस दृष्टि से हम लोगों को लगा कि अधिनियम बना लेना ही ठीक रहेगा, तो उसकी ड्राफ्टिंग हम लोगों ने शुरू कर दिया है। लगभग तैयार हो गया है ड्राफ्ट और जैसा मैंने विधानसभा में कहा था कि शीघ्र ही हम विधानसभा के अगले सत्रों में हम उसको ले आएंगे और विधानसभा के समक्ष रख करके उसे कानून का दर्जा देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल जिस तरह से भारत समाचार ने लिफ्ट में मौतों के खिलाफ मुहिम चलाई थी उसका बड़ा असर हुआ है। सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और जल्द ही यूपी में अब लिफ्ट कानून बनेगा। अब लिफ्ट लगाकर पल्ला झाड़ने वाली कंपनियां बच नहीं पाएंगी। जो लिफ्ट लगाएगा उसको लोगों की जान की सुरक्षा की गारंटी भी लेनी होगी, नहीं तो सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।